हाँ काजल, फॉर्म ले लिए? फॉर्म तो ले लिया मामा जी, लेकिन वो ईयरली फीस 70,000 बता रहे हैं। पूरे कोर्स का ना? पूरे कोर्स का नहीं, एक साल का, बजट के काफी बाहर है। कोई बात नहीं बेटा, कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे। नहीं मामा जी, आप पर पहले से इतना प्रेशर है और ये वो प्रेशर की बच्ची, जितना कहा जाए उतना करो। फॉर्म लेके सीधा घर पे आ जाओ, तुम्हारा एडमिशन होगा। और कोई कॉलेज नहीं है कम फीस वाला? फिर से शुरू मत हो जाओ शीतल। आप दानवीर कर्ण होना बंद नहीं करेंगे और चाहते ये हैं कि मैं शुरू भी ना हूं। अब इसमें दान धर्म की बात कहां से आ गई शीतल? काजल और तरुण दोनों मेरी सगी बहन के बच्चे हैं। तो आरती आपकी सगी बीवी की बेटी है, अगर आप भूल ना गए हो तो वो आपकी भी सगी बेटी है जो अभी सिर्फ 11वीं में है। और जब वो कॉलेज जाने के लायक होगी ना तो उसके लिए भी सही कॉलेज ही चुनूंगा शीतल। वैसे भी जब से दीदी और जीजा जी चल बसे हैं, काजल और तरुण दोनों को सगे बच्चे की तरह ही पाला है हमने। पर हम तो अभी जिंदा है ना, आप क्यों मुझे और आरती को जीते जी मार रहे हैं? अपना दिल इतना छोटा मत करो शीतल, सालों से वही रोना धोना लगा के रखा हुआ है, बहुत हो गया, बंद करो ये सब। दीदी मैं सोच रहा था कि एक पार्ट टाइम जॉब कर लूं, कुछ पैसे कमाऊंगा तो आपकी फीस के लिए काम आएंगे। फालतू बात करेगा ना तो दो थप्पड़ पड़ेंगे तुझे। पार्ट टाइम जॉब मैं करूंगा। बट दीदी, मामा जी पर ऑलरेडी बहुत लोड है। दीदी मामा जी वैसे भी कुछ नहीं बोलते और मामी जी उनको कितना हर्ट करती है। तू क्यों सुनता है उनकी बात? देख अगर तू उनके नजरिए से देखेगा ना तो वो भी सही है अपनी जगह कहीं ना कहीं। दीदी क्या सही है, हर बात पे ताना। भगवान ने तुझे दो कान दिए हैं ना, सो ताना इन एंड ताना आउट, समझा? और वैसे भी मामा जी और मामी जी ने 12 साल से हमारी देखभाल की, जोक नहीं है यार ये। काश हम कुछ कर पाते और ये थैंक यू और सॉरी के बोझ से ना बस निकलना है। टाइम तरुण टाइम, तुम देखना बहुत जल्द एक ऐसा समय आएगा जब हम अपनी स्ट्रगल को भूल चुके होंगे, तुम देखना मेरे भाई। यार सूरज कुछ ज्यादा ही बेवकूफी नहीं हो रही है यार? 2 साल के बाद तूने फिर से पिकअप किया है और तेरे पापा ना वर्ल्ड के वन एंड ओनली पापा होंगे जो अपने लड़के को मेडिकल कॉलेज से निकाल के ऐसे ईंट के भट्टे पर बिठा रहे होंगे। यार मेडिकल का फील्ड है और तू अच्छा कर रहा है भाई, क्यों छोड़ रहा है, समझ क्यों नहीं आ रही तुझे? कोई नहीं यार, मेरा फैसला फाइनल है। सूरज देख बेटा, कोई ऐसा फैसला जल्दबाजी में मत ले जिसे आगे जाके पछताना पड़े। तेरे पापा फैसले अपने मतलब के लिए लेते, उन्हें अपने रुतबे के आगे कुछ नहीं दिखाई देता बेटा। लेकिन मां, मां पापा ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। मांगा नहीं जा रहा है सूरज, छीना जा रहा है तुझसे। तू एक ही है इस घर में जिसकी अलग सोच है, आवाज है, जो इनसे सहन नहीं हो पा रहा और इसीलिए तुझसे तेरा वजूद छीन रहे। देख सूरज, मान मेरी बात, मत कर ऐसा और वापस चला जा कॉलेज। मां मैं पापा को निराश कैसे कर सकता हूँ? क्यों अपने हाथों अपनी खुशियों का गला घोट रहा है तू सूरज? अपनी बहन राधिका जैसे पापा का साया बनेगा तू? सूरज पापा कभी कोई गलत फैसला नहीं लेते, तुमसे ज्यादा वो तुम्हें जानते हैं। साले साहब, डॉक्टरी तो हर कोई कर सकता है लेकिन फैमिली बिजनेस सिर्फ फैमिली का मेंबर ही चला सकता है और तुम इस बिजनेस के एक लौते वारिस हो। बल्कि मुझे तो लगता है कि तुम्हें हाई स्कूल के बाद डायरेक्टली पापा को ज्वाइन कर लेना चाहिए था। खैर देर है दुरुस्त है, पापा के अंडर तुम सब सीख लोगे। बॉस तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम कितने लकी हो, यूं बैठे बैठे हाथों में इतना बड़ा बिजनेस नहीं मिलता। तुम्हारी दीदी राधिका हो या फिर तुम हो, क्या हमने कभी भी किसी चीज के लिए तुम दोनों को ना कहा है? कभी नहीं पापा। बेटा राधिका और तुम्हारी खुशी हमारे लिए सबसे ऊपर है। तुम टॉप के डॉक्टर भी बने तो जितना तुम एक साल में कमाओगे उतना तो हमारे यहाँ एक हफ्ते का धंधा हो जाता है, ये बात तो जानते ही हो ना? जी पापा। ये जो भट्टियां देख रहे हो ना सूरज, ये सोने की खान है, खान, इनमें से तुम हीरे निकाल सकते और निकालोगे। जी शाबाश। जिंदगी के उस मोड़ पर मुझे भनक तक नहीं थी कि एक दिन मैं सूरज चौहान की जिंदगी का हिस्सा बनूंगी, उसके प्यार में मर मिटूंगी। चले अंकित, ऑल द बेस्ट। क्या बोलूं यार, अब तुझे भी ऑल द बेस्ट और प्रे करूंगा यार कि तुझे अपने इस फैसले पर अफसोस ना हो। अफसोस की कोई गुंजाइश ही नहीं है, पापा को मेरी जरूरत है,
उन्होंने बुलाया तो मैं जा रहा हूं। ये फैसला मेरी जिंदगी को कहां लेकर जा रहा था मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं अब क्या बनने जा रहा था वो तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था और कभी चाह भी नहीं था। जगदीश, सुधा चौहान उसकी बीवी, बेटी राधिका ठाकुर, दामाद अमित ठाकुर, और ये है सूरज चौहान, रंजन चौहान का बेटा, और ये उसकी पत्नी काजल, और ये उनका बेटा करण। अबे ओ, तू मर्डर की सुपारी देने आया या किसी सरकारी भंडार के सेल में आया है? क्या मतलब बच्चन भाई? मतलब कि फोन पर बोला था ना ये रेड एक मर्डर का है, तू तो साला पूरा कत्लेआम का पार्टी ऑर्डर दे रहा है। हर एक बात फोन पर नहीं की जाती बच्चन भाई, अब आमने सामने बैठकर हर एक बात तय कर लेते हैं, समय, जगह, रेट, हर एक काम बारीकी से होगा। इस काम के लिए दूसरा मौका नहीं मिलेगा। सिन्हा साहब, हमें शर्मिंदा ना कीजिए, क्या हम महंगाई से वाकिफ नहीं? इस बार एक नहीं दो लिफाफे भेजे आपके लिए, बस ख्याल रखिए कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स चौहान वर्क्स को ही। राजू, ये कॉलेज बिल्डिंग के लिए जा रहा है। जी सूरज जी, ये लास्ट लॉट होगा, इसके बाद ये सारा माल इलाहाबाद भेज देना, आरके इंडस्ट्रीज की साइड। लेकिन छोटे मालिक, कॉलेज का काम तो वैसे ही दो महीने लेट चल रहा है और वहाँ का सुपरवाइजर सर पे तांडव भी कर रहा है। करने दो, तुम गेंडे की खाल उगा लो राजू, और याद रखो कॉलेज का ये प्रोजेक्ट कट टू कट हो रहा है मेहरबानी खाते पर आरके इंडस्ट्रीज है, वो हमारी सोने की मुर्गी है। उन लोग 15% घटा के कोट कर रहे हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत बुरी खबर हो सकती है। टेंशन मत लीजिए दुबे जी, सारा मामला सेट कर दिया है हमने, टेंडर ऑफिस के सिन्हा को दो दो लिफाफे पहुंच चुके हैं, हम अपना कोट कम नहीं करेंगे और पास भी उसी रेट पर। तुम अच्छा नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो सूरज, फक्र है तुम। और सुधा, अब बोलो क्या हमारा फैसला गलत था सूरज को बिजनेस में लगा देने का? हमारे पिताजी ने हमें बिजनेस सौंपा, हमने चार चांद लगा दिए, अब सूरज को देखो बिजनेस को कहां से कहां ले जा रहा है। तुमने जिस तरह से धंधा करना सीख लिया है ना, बहुत अच्छा, यही तरीका है मार्केट पर कब्जा करने का। थैंक्स पापा। पावर वो बंदूक है बेटा जिसकी नली से पैसा बरसता है, और इस पैसे से और ताकत है और पैसा। जी बेटा, पैसा और ताकत ये वो दो हाथ जिससे ये सारी दुनिया इस अंगूठे के नीचे दबती है, समझ रहे हो ना? समझ रहा हूं पापा। इस वक्त हमें और एक्सपांड करना होगा, जहां हम लोग हैं इससे कई ज्यादा फैलेंगे हम, आपके आशीर्वाद से। कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता सूरज कि तुम बोल रहे हो या तुम्हारे पापा, वही आवाज वही अंदाज। दुनिया यही अंदाज समझती है माँ, सबको खुश रखने वाला ना खुद कभी खुश नहीं रह सकता, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी प्रजा वही राजा। कहीं ऐसा तो नहीं सूरज कि राजा बनने के चक्कर में तुम उस राजा के एक प्यादे बनकर रह जाओ, सिर्फ एक मोहरा? कोई अपने बेटे को मोहरा नहीं बनाता माँ, और जितना आप पापा को पत्थर दिल समझती है ना वैसे वो है नहीं। तो अब तुम मुझे समझाओगे कि तुम्हारे पापा क्या है और क्या नहीं, है ना सूरज? ये जो घर है ना, ये घर नहीं सोने का पिंजरा है, यहाँ ताजा हवा भटकती नहीं और घुटन हटने का नाम नहीं लेती। मैं यहाँ बंधी हुई हूँ क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं है, पर मैं ये नहीं चाहती सूरज कि किसी दिन तुम मुझे आकर ये कहो कि मेरे पास कोई चारा नहीं। वो दिन कभी नहीं आएगा माँ, पापा मेरी मर्जी की इज्जत करते हैं। शादी भी उन्हीं की मर्जी से करोगे? शादी में अभी बहुत देर है माँ, अगले महीने है शादी। क्या तुम मजाक कर रही हो ना? उन्होंने अपनी मर्जी से एक लड़की भी पक्की कर दी है, लड़की कौन है कैसी है ये ना मुझे पता ना तुम्हें, बस मैं इतना चाहती हूँ सूरज कि इस शादी से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो और उस लड़की की भी। इससे अच्छी लड़की आपको नहीं मिल सकती, अनाथ है अपने छोटे भाई के साथ, अपने मामा के रहम पर रह रही है, पढ़ी लिखी ग्रेजुएट लड़की है, पर मजाल है कि कभी भी आपके सामने जुबान चलाए। उमेश, इन पढ़ी लिखी मॉडल लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है,
न जाने कब हमारे सूरज पर हावी होने लगे। अरे सूरज आपका लड़का है, आपका खून है, मुट्ठी में रखेगा उसे। अरे सीधी सादी संस्कारी लड़की है भाई, और बचपन से ही ये दबी रही है, अपनी औकात अच्छी तरह मालूम है इसे। हमारे बड़े भाग हैं जो आप खुद यहाँ काजल को दिखने हैं, और ये जुबान है मेरी। आपके लड़के को या आपके खानदान में किसी को भी शिकायत का कोई मौका नहीं देगी काजल। वो अंदाजा तो हमें लग ही रहा है, मेरा लड़की से दो बातें कर ही लो। जाओ काजल, हम दो मिनट बाहर बैठे। कितने बड़े लोग हैं, शादी का पूरा खर्चा वही उठाएंगे, दहेज में एक दहला भी नहीं लेंगे। अब भी आप हमारी आरती का नहीं सोच रहे? हमारी आरती की शादी सूरज से करवा देंगे तो राज करेगी हमारी बेटी। एक तो हमारी आरती अभी नाबालिग है, और उसने अभी अभी कॉलेज जाना शुरू ही किया है। नाबालिग है तो अभी सगाई कर देते हैं, जैसे ही बालिग होगी हम उसकी शादी कर देंगे। कभी तो खुद से परे होके सोचा करो। आप कभी तो खुद के बारे में सोचिए। हमारी जिंदगी की सारी मक्खन और मलाई अपनी बहन के बच्चों पे लुटा रहे हैं, हमारी आरती के लिए क्या बचेगा? मुझे काजल ना तो सिर्फ पसंद आई, बल्कि मुझे तो उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया। उसकी सादगी, उसकी सोच, सब कुछ भा गया मुझे। वैसे तो मेरे पास कोई चारा नहीं था, मामा जी की बात को टाल नहीं सकती थी मैं, लेकिन मुझे खुशी थी कि मैं अपनी मर्जी से हाँ कह रही थी। सूरज दिल में उतर गया था मेरे। काजल अब मेरी जिंदगी का मतलब बन गई थी, प्यार और गहरा होता जा रहा था। मुझे अब जाकर यकीन होने लगा था कि सबकी तकदीर हमेशा के लिए अंधेरे में नहीं होती, कभी ना कभी सूरज चमकता ही है। क्या तकदीर वो है जो पहले से लिखे थे और हमारे साथ होकर ही रहता है, या तकदीर वो है जिसे हम चुनते हैं हम पर बीतने के लिए? गोलियां चलने की आवाज आई ना? शायद। सही सुना तूने, यहां गोलियां ही चली हैं जिसने तेरी मां को ढेर कर दिया। क्या? मम्मी! काजल! मम्मी! काजल! काजल! मम्मी! करण! 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 नहीं, नहीं गोली मत चलाना। होगा, लेकिन चिंता मत कर, तुझे और तेरे इस पिल्ले को नहीं मारेंगे। कोई तो बचा रहना चाहिए ना, जो जिंदगी भर दर्द झेले जिसे हम झेल रहे हैं। अब तेरे बाप रंजन चौहान को पता चलेगा कि दर्द ताकत से बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। करण! करण! काजल! 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 काजल तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तो ना, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? काजल वो शुक्ला भाई आए थे, हम दोनों ने माँ को, माँ, 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 क्या हुआ सूरज? सूरज क्या हुआ काजल? सब ठीक तो है? कहीं दीदी और जीजू को तो कुछ नहीं हुआ होगा ना? वो तो सो रहे होंगे। तूने कोई बुरा सपना तो नहीं देखा ना? सूरज इतनी रात गए, सब ठीक तो है? दीदी तुम ठीक तो हो ना? और जीजा जी? सब ठीक है सूरज, हुआ क्या है कुछ बताओगे भी? दीदी आप और जीजा जी संभल के रहना, वो दोनों शुक्ला भाई वो अटैक कर सकते हैं। वहाँ सब ठीक है ना? तुम ठीक हो ना? शिवा, असलम, ध्यान से देखो, ये तीनों, रंजन चौहान और उसका दायां और बायां हाथ, भानु सिंह
और कमल चौरसिया, ये तीनों मुझे जल्द से जल्द अपनी कस्टडी में चाहिए। जितने आदमी लगाने लगाओ, जहाँ खोदना खोदो, जो करना है करो, लेकिन ये तीनों मुझे जल्द से जल्द चाहिए। देखो ये रोने वाली शक्लें तो तुम दोनों मेरे आगे बनाना मत। कहाँ है तुम्हारा पति भानु और तुम्हारा पति कमल और उनका आका रंजन चौहान? हमें नहीं पता मैडम। नहीं पता तो पता करो कौन से बिल में छुपा बैठा है, वरना दिखते ही गोली नहीं मारेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जगतपुर, इलाहाबाद, वाराणसी सब जगह अपने आदमी फैला दो। सारे खबरियों को काम पर लगा दो। किसी भी सूरत में मुझे रंजन चौहान चाहिए। चर्बी उतारनी है इसकी। चौहान परिवार पर प्रेशर बनाकर रखो। कानून सिखा रहे थे, सर्च वारंट मांग रहे थे, अभी ने बताते हैं कि सर्च वारंट लेकर आने वाली पुलिस क्या क्या कर सकती है। सूरज चौहान, अपने घर में सीसीटीवी लगाना अच्छी बात है, लेकिन अपने हत्यारे पिता को छुपाए रखना बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। आप लोगों ने तलाशी के नाम पर पूरा घर तहस नहस कर दिया। कुछ मिला? नहीं ना। और रही बात मेरे पापा की, तो कल वो बड़ी जल्दी में आए और निकल गए, कुछ नहीं कहा उन्होंने हमसे। लेकिन इंस्पेक्टर, उनके बिना कहे मैं इतना बोल सकता हूँ कि मेरे पापा खून नहीं कर सकते। शिखर शुक्ला के मोबाइल पर तुम्हारे पापा की दीवी धमकी रिकॉर्डेड है। कत्ल के चश्मदीद गवाह भी, रंजन चौहान के बच निकलने का तो चांस ही नहीं है। उनको बोलो सरेंडर कर दो, नहीं तो पूरा का पूरा खानदान अंदर होगा और भट्टी में से एक भी ईंट नहीं निकलेगी। ये हमारा वादा है, बोल देना अपने पापा को। देख सूरज, मामला छुपाने से और बिगड़ेगा। तू बता दे उन्हें तेरे पापा कहाँ है। माँ, पापा सिर्फ इसलिए छुप रहे हैं क्योंकि कोई उन्हें फंसा रहा है। बस कर राधिका, बस कर। तेरे पापा क्या कर सकते और क्या नहीं कर सकते ये यहाँ सब लोग जानते हैं। देख सूरज, समझदारी से काम ले वरना पूरा परिवार बुरा फंसेगा। माँ, सूरज को नहीं पता कि पापा कहाँ है, पर अगर उसे पता भी होता तो मैं कहती कि पुलिस को कुछ ना बताए। पापा को बचाना इस वक्त हमारा फर्ज है माँ। अगर हम पापा की जानकारी नहीं देंगे तो क्या वो वाकई में बचेंगे या फिर पुलिस हमें ही मुजरिमों में गिनेगी? किसी ने तुमसे तुम्हारी विशेष टिप्पणी की मांग की है यहाँ? माँ, मैं सच में नहीं जानता कि पापा कहाँ छुपे हुए हैं। उनका फोन भी स्विच ऑफ है, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। मैं खुद चाहता हूँ कि पापा ओवरग्राउंड आए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि सच क्या है। पर पुलिस तो कह रही थी कि सब कुछ शेखर शुक्ला के मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुका है। फिर बीच में बोल रही हो काजल। सूरज, शुक्ला के परिवार ने दबाकर पैसे दिए पुलिस को पापा को फंसाने के लिए। तुम बोलो, तुम किस पर विश्वास करते हो, पापा पर या पुलिस पर, या तुम्हें इनकी विशेष टिप्पणियों पर अमर करना है? पर मैं तो ये कह रही थी कि चुप नहीं रह सकती क्या काजल? राधिका, काजल प्लीज प्लीज, अभी ये समय आपस में लड़ने झगड़ने का नहीं है। हमारे परिवार में कहर टूट पड़ा है, सबको साथ में मिलकर चलना होगा। सूरज, मेरी बात मानिए, पुलिस को सब साफ साफ बता दीजिए। हम सब जानते हैं क्या हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था पर अब हो चुका है, इसलिए देर मत करिए वरना कहीं हम सबको जेल ना हो जाए। काजल, जो तुम कह रही हो बिल्कुल सही है, पर मुझे नहीं पता पापा कहाँ है। वो तो शेखर जी से बात सेटल करने गए थे, किसे पता था कि वो उन्हें जान से मार डालेंगे। सिन्हा साहब, ये तो सरासर गलत है। आपने हमें बताया ही नहीं कि किस रेट पर शुक्ला कंपनी ने टेंडर भरा है, बल्कि हमने तो टाइम पर आपके बिना पूछे आपको डबल कमीशन दिया है। सूरज जी, देखिए, आपने अपने टेंडर में 15 से सीधे 20% बढ़ा दिए। आपने मुझे बताई ये बात? आपका काम आम खाना है ना, पेड़ क्यों गिरेंगे आप? जितनी हमारी कमाई उतना आपका कमीशन। हाँ, वो सब ठीक है सूरज जी, लेकिन वो अरेंजमेंट पहले जो साहब थे ना उस वक्त की थी। अभी जो नए वाले आए हैं ना, वो कुछ ज्यादा ही स्वच्छ भारत टाइप के है, सब कुछ कायदे से करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कम से कम लोएस्ट कोटेशन वाला टेंडर चुना जो शुक्ला कंपनी का था। अगर उस वक्त मैं मुंह खोलता तो सीधे मेरे मुंह पे सस्पेंशन का झाड़ू फेर देते। अरे, बहुत स्वच्छ भारत वाले देखे हैं हमने। देखो, कायदा तो वही है जो सालों से हमने चलाया है। हमारा तो सीधा सा मंत्र है भाई, सबका साथ सबका उद्धार। वही तो रंजन साहब, अब मेरे बड़े साहब को समझाए तो कौन समझाए। साले ने 10 मिनट ऑफिस पे लेट आने वाले को भी मेमो देना शुरू कर दिया है। टेंडर भी उसने कायदे से खोला। अरे, शुक्ला वाला डन किया है जी, शुक्ला को तो वो जानता तक नहीं है। अबे, उसे कैसे पता होगा कौन शुक्ला और कौन चौहान? फाइल बदल दो। इतना दूधबा थोड़ी ना है रंजन साहब। एक तरीका है। क्या? बोलो। आप शेखर जी के साथ में समझौता करके उनको बोलो कि टेंडर की फाइल वापस ले ले कायदे से।
एक बार शुक्ला जी ने अपना टेंडर वापस दे लिया तो बड़े साहब को किताबी कायदा पढ़वा देंगे, नया टेंडर खोलना होगा जी। बस फिर आप कायदे से कम वाला टेंडर दे देना। क्या क्या बोले, फिर से बोलिए जरा। 1.5 लाख हर महीने कॉन्ट्रैक्ट से पहले 3 साल के लिए, इसके अलावा हम आपकी भट्टियों का सारा माल भी खरीदेंगे 2 साल के लिए। ऊपर से हर नए कॉन्ट्रैक्ट में 10% शेयर आपका होगा, वो भी अगले 3 साल के लिए। आप खुद से जो भी बना पाते हैं उससे कई गुना ज्यादा है शेखर जी। तो हमें मुनाफा करवाने के चक्कर में तुम्हारा कितना गुना घाटा होगा? सच में शेखर जी, इतना बढ़िया ऑफर आपको फिर नहीं मिलेगा। और रही बात हमारे नुकसान की, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। नुकसान की हमें चिंता नहीं है बेटा, वो तो धंधे का हिस्सा है। पर तुम लोग धंधा कहां करते हो? तुम्हारे पिताजी ने तो कई सालों से धांधलेबाजी चला रखी है। शेखर जी प्लीज अपना टेंडर वापस लीजिए। बेटा कमान से निकली हुई तीर और भट्टी में घुसी हुई ईंट वापस नहीं लिया जाता। मुझे आपकी नसीहत नहीं चाहिए। तो तुम्हें क्या लगता है हमें तुम्हारी भागीदारी चाहिए? तो कमाल करते हो, सस्ती कच्ची ईंटें बनवाते हो तुम, तो तुम्हें लगता है कि हमारी भी नींव कमजोर है? रखता हूँ शेखर जी। रुको 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 रुको, अपने पिताश्री को एक संदेशा देना हमारा। उनसे कहना हमें ना ही उनके रुतबे की कदर है और ना ही उनके दबंगई का डर, इसलिए आइंदा ऐसी छिछोरी रिश्वतखोरी की हरकत ना करें। उन्हें गलतफहमी है कि वो इस धंधे के शेर हैं, बेखबर हैं वो कि हम नए सवा शेर हैं। रखता हूँ। मालिक हम एक एक आदमी से बात कर लिए हैं मार्केट में, सब एक के राग अलाप रहा है। बड़ा अड़ियल आदमी है ये शेखर शुक्ला, ईंट का जवाब पत्थर से देता है। मालिक अगर इसने ये टेंडर लेकर हमारे इलाके में दाखिला ले लिया तो समझ लीजिएगा हमारे आधे से ज़्यादा ग्राहक को निकल जाएगा, शायद उससे भी ज़्यादा। और उसके रेट में टेंडर भरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन तो बड़ा भयंकर घाटे का सौदा है मालिक। सौदा तो हम उस शुक्ला के साथ ही करेंगे बाबू, बहुत ईमान झाड़ रहा है ना, हम देखते हैं कितने में बिकती है इसकी ईमानदारी। चलो चलो दफा हो जाओ, निकलो यहां से। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हम इस धंधे में कितने पुराने हैं। अंदाजा तो तुम्हारे मुंह से निकलती दीमक से मिल ही जाता है। वैसे सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है हमने, तुम्हारा ऑफर और तुम्हारी धमकी भी। अब अगर ये रिकॉर्डिंग मैं सरकारी दफ्तर पहुंचा दूं ना तो तुम्हारे सारे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट खारिज हो जाएंगे, फिर रंजन चौहान बुढ़ापे में नंगे हो जाओगे तुम। ए, क्या पक रहा है? पता किससे बात कर रहा है? मालिक इतना तमीज से ऑफर दे रहे हैं और तुम ओके बदतमीजी कर रहे हो। बेवकूफी ना करो, जिस ईमानदार ऑफिसर के भरोसे तुम इतना खुदक रहे हो ना, उसका तो मैं चंद ही दिनों में करा दूंगा तबादला। और उसके बाद जानते हो क्या होगा? नंगे हो गए तुम, मार्केट से निकाला होगा तुम्हारा। मीरा पुलिस को फोन लगाओ, आज के आज इसे अंदर करवा देते। कॉन्ट्रैक्ट, तू पुलिस को फोन लगा। कॉन्ट्रैक्ट, अरे तू फोन लगा। बेटा आप बुलाओ पुलिस को, कुछ केस तो बने साला। पापा पापा पापा, कितनी बार पूछोगी तुम और कितनी बार बताऊंगा मैं, मुझे नहीं पता पापा कहाँ है। सूरज, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि पापा जी का यही स्वार्थ, उनका यही बर्ताव एक दिन हम सबकी जिंदगियों को खतरे में डाल सकता है? साहब बिल का पता चल चुका है, घूस और उसके दोनों चूहे दुबक कर बैठे हैं अंदर, इलाहाबाद की तैयारी कीजिए। शहर में एक ऐसी दीवार नहीं है जहां हमारी फोटो लगा दी इन लोगों ने। डर लग रहा है, पेशाब निकल रहा है डर के मारे। नहीं मालिक, बस हमें एक जगह पर नहीं रुकना चाहिए। तो अभी निकल चलें खाने के बीच। अरे नहीं नहीं, आप खाना खाइए ना। अच्छी तरह जानते हो खाने के बीच में टोकना मुझे पसंद नहीं है, फिर भी तुम लोग। हाँ
दो सेकंड में अगर हथियार नहीं डाले तो ऑर्डर है हमारे पास, जिंदा या मुर्दा। ऑफिसर आओ ना, बैठ के सेटल कर लेते हैं। क्या नाम क्या तुम्हारा? यमराज। अब बोलो। सबसे टॉप का वकील करेंगे पापा के लिए, वो एक भी दिन जेल में नहीं बिताएंगे सूरज। कर रहा हूं तेजी, कर रहा हूं। जल्दी करो सूरज, पापा का मामला है। पुलिस स्टेशन जा रहा हूं मैं। संभल कर बेटा, इस सब में तुझ पर कुछ नहीं आना चाहिए। सुनिए, कुछ भी करिएगा लेकिन कोई गैर कानूनी तरीका मत अपनाइएगा। और कुछ? अब जाऊं। मैडम, हमने आपको रंजन चौहान की धमकियों की सारी रिकॉर्डिंग्स दी। कत्ल हमारे सामने हुआ है, हम गवाह हैं। रंजन चौहान सीधे फांसी के फंदे पर चढ़ना चाहिए। मैडम, पुलिस स्टेशन में हो तुम लोग, कोई सुपारी वाले के अड्डे पे नहीं हो। तुम लोग का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है, अब कोर्ट तय करेगा कि क्या करना है। मैडम, हमारे पापा को मार डाला हमारी आंखों के सामने। जानती हूँ मैं, और उन तीनों को कस्टडी में ले भी लिया गया है। फिलहाल आप लोग जा सकते। अगर वो लोग आपको कोई भी ऑफर देते हैं, चाहे जितने का भी हो, हम आपको उससे डबल देंगे उन तीनों को ठोकने का। देखिए, अगर आप दोनों ने अपने पापा को नहीं खोया होता और आप इतने शौक में नहीं होते, तो इस बात का मुंह तोड़ जवाब मैं मुंह तोड़ कर ही देती। कोई बात नहीं, खड़े खड़े स्टेटमेंट दे दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रिश्वत और धमकी की बात तुमने शेखर शुक्ला से की, वो उसके मोबाइल पर रिकॉर्ड हो चुकी है। हम तो सुन चुके हैं, तुम्हें भी सुननी है। रिवाइंड करें। रिवाइंड में क्या रखा है, फॉरवर्ड की बात करो, रेट बोलो, क्या लोगे डिलीट करने का? और कुछ है बोलने के लिए? हम कोर्ट में कह देंगे ये आवाज हमारी है ही नहीं, कोर्ट हमारी साइड लेगी और तुम्हारी धज्जियां उड़ेंगी कोर्ट में। अब होना नहीं चाहिए था, हो गया, आदमी तो वापस आने से रहा, तो हम तुम हम सब आगे बढ़ सकते हैं। ए, केस वेस को भुला के तुम अपना रेट बोलो। मिश्रा, इसे हवलदार राम सिंह को सौंप दो, उससे कहो कि स्टेटमेंट दे आना थे, लेकिन तबियत से इसकी धड़ाई करें। ये गिड़गड़ाना चाहिए, रेंगना चाहिए, इस लॉकअप की जमीन इसके पिघलते क्रूर से गीली होनी चाहिए। सर, डरो मत, कुछ नहीं होने देंगे हम तुम्हें। ये रोने वाली हारी हुई शक्ल लेकर आना था तो ना ही आते। मैं ठीक हूं पापा। अभी शेखर शुक्ला मरा है तेरा बाप नहीं। मैंने एक असली मर्द को चुना है जो रोता नहीं है, रुलाता है। एडवोकेट गुप्ता आपका केस लड़ेंगे, बेल की एप्लीकेशन करेंगे। वकील साला क्या कर लेगा? तुम सीधे जाकर शेखर शुक्ला के बेटों से मिलो, उनसे कहो जो मांगोगे दे देंगे, केस वापस ले लो। कौन सा सौदा करना चाहता है आशीष? वीरा, अभी सबसे क्या होगा? बर्बादी होगी पूरे चौहान खानदान की। तुम सबकी कुंडलियां निकाल चुके हैं। देखो, मेरे पापा ने जो किया नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे पापा भी इस दुनिया में नहीं है, और मेरे पापा वो होकर भी ना के बराबर जेल में बैठकर अपने किए पर पछता रहे हैं। तुम दोनों से मैं माफी मांगता हूं। तुम्हारे पास एक ऑफर लेकर आया हूं, जो भी तुम लोग मांगोगे हम देने को तैयार हैं। बिजनेस का हिस्सा, कॉन्ट्रैक्ट्स, पैसे, जो भी बोलो, बस तुम लोग ये केस वापस ले लो। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस अपने खानदान से एक बंदा या बंदी दे दे, तेरे सामने गोली मार देंगे उसे। खून का बदला खून, कब और कहां मारना है। और हमें कोई भी चलेगा, सुधा तेरी माँ,
राधिका तेरी बहन, अमित तेरा जीजा, काजल तेरी बीवी या करण? नहीं वीरा, नहीं। एक काम करते, तेरे को मार दे, तेरे पूरे परिवार के सामने ना तेरे को मार दे। उन्हें भी तो तकलीफ हो जो मेरी माँ को हो रही है, जो हम दोनों को हो रही है। उसके बाद ले लेंगे केस वापस। रंजन चौहान छूटेगा और जिंदगी भर तड़पेगा। देखो ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता बे? हम कुछ भी कर सकते हैं, और जिस दिन तेरा बाप छूट के आएगा ना, हम उसको मार भी सकते हैं, और हम ऐसा ही करेंगे, समझा? अब चुपचाप यहां से दफा हो जा, वरना एक हाथा अभी और कहीं खोलेंगे। जा। सर, तीनों ने अपने स्टेटमेंट और कबूलनामे दे दिए। मिश्रा, तगड़ी चार्जशीट फाइल करो। हमें रंजन चौहान के अगेंस्ट फुल प्रूफ केस बनाना है। ये मिसाल होनी चाहिए उन गुंडों और दबंगों के लिए कि अगर वो कानून तोड़ेंगे तो हम उन्हें तोड़ेंगे। और क्या कर सकते हैं? अरे बेल नहीं हुई तो दोबारा कोशिश कर सकते हैं, पर केस कोर्ट में नहीं आना चाहिए। सूरज, पैसे ठूस दो सबके मुंह में। इस पुलिस टीम के सामने पैसों का नाम भी लिया ना तो गिरफ्तार कर लेंगे तुरंत। एक आइडिया है मेरे पास। कमल और भानु के साथ ना सौदा करते हैं। उन लोगों को बोलते हैं कि सारा इल्जाम अपने सर पर ले लें। उनकी फैमिली की जिम्मेदारी हम ले लेंगे ना। अरे पापा तो छूट जाएंगे। पर पापा ने धमकी दी थी, वो वहां मौजूद थे। अरे पापा मौजूद थे, लेकिन पापा को थोड़ी मालूम था ये दोनों क्या रिएक्ट करेंगे। दोनों में से किसी ने गुस्से में आकर गोली मार दी। पापा ने कोशिश की थी रोकने की दोनों को। फिर पापा भागे क्यों, छुपे क्यों? पुलिस ने स्टेटमेंट लिए, कबूलनामा लिया। अरे सूरज, वो सब कोर्ट में देखा जाएगा यार। और नहीं तो क्या, हम दिल्ली विली से सबसे टॉप का वकील करके लाएंगे पापा के लिए। सब कुछ बदला जा सकता है सूरज, और ये कोई पहला मर्डर केस नहीं होगा जहाँ कातिल बाहर निकल गया। और सोचो, पापा ने तो जो किया वो गुस्से में आके किया। कोई बुरे आदमी थोड़ी है वो, अच्छे हैं, बल्कि सबसे अच्छे हैं। हम उन्हें कोई जेल में छोड़ सकते हैं क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे इतने लोग इतने मर्डर करके बाहर घूम रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मिनिस्टर बने बैठे हैं, उनका क्या? सूरज के पापा को सिर्फ एक कत्ल की सजा नहीं मिली है काजल, ये सजा है हजारों जिंदगियों को रौंदने की सजा, अपने परिवार वालों के साथ न जाने कितने लोगों की। काजल, उसके पापा अच्छी तरह से जानते हैं कि सूरज को चिकनी मिट्टी की तरह मोड़ा जा सकता है, उसे कुछ भी करवाया जा सकता है, कुछ भी। देख बेटा, तो ऐसा कुछ भी होने मत देना। हम दोनों में से तेरा उस पर ज्यादा असर है। नेकी और सच्चाई की लगाम कस के पकड़े रहना। ये लगाम अगर हल्की सी भी छूट गई ना बेटा, तो जिंदगी बर्बाद हो सकती है। दूर रहूं काजल? काजल मेरे पापा है वो, और तुमने ये बात कही भी कैसे? तुम अच्छी तरह जानते हो पापा को सिर्फ झूठ और फरेब से बचाया जा सकता है। इंसान से गलती हो जाती है काजल। मेरे पापा का गुस्सा उन पर हावी हुआ। पर क्या उन्हें पछतावा है अपने किए पर? अगर गुस्से में किया होता तो पछतावा होता। यू कानून से भागते नहीं वो। पर याद करो, तुम क्या बनने निकले थे? एक डॉक्टर, एक जान बचाने वाला, और अब एक जान लेने वाले को बचाने में लगे हुए हो। मेरे पापा भी तो है वो। मैं जानती हूँ वो तुम्हारे पापा है, और मैं उनसे कोई नफरत नहीं करती, और ना ही चाहती हूँ कि जेल में उन्हें कोई तकलीफें हो। लेकिन कानून हम सबसे ऊपर है, इसलिए जो कानून फैसला लेगा वो भगवान का फैसला समझकर हम सबको कबूल करना होगा। सूरज, एक रात ऐसी नहीं जाती जब मैं नहीं सोचती कि काश तुमने अपनी मेडिकल की पढ़ाई जारी रखी होती। भले ही मुझसे शादी नहीं होती तुम्हारी, कम से कम तुम एक अच्छे इंसान बनकर तो रहते। पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और उससे भी ज्यादा तुम्हारी इंसानियत से। कभी मत खोना उसे। तब मेरी समझ के बाहर था कि जिंदगी कभी ऐसा भी मोड़ लेगी। अब भी सोच धुंधला जाती है। जिस रास्ते पर मैं चल पड़ा वो नियति की वजह से नहीं था, बल्कि वो रास्ता मैंने खुद अपने हाथों से खोदा था। देखो, हमारे तुम्हारे पतियों से कोई दुश्मनी नहीं। कमल और भानु वो तो सिर्फ नौकर है रंजन चौहान, मोहरे हैं उसके। अब हम तुमसे जो कहने जा रहे हैं ध्यान से सुनो। सूरज तुम्हारे पति से यही कहने वाला है कि कत्ल का इल्ज़ाम अपने सर पर ले लो। हम कह रहे हैं कि कत्ल का इल्ज़ाम उसी के सर पर डालो जिसने कत्ल किया है। उससे वो छूट जाएंगे? छूट सकते हैं, सज़ा काफ़ी कम हो सकती है, और जब तक वो अंदर रहेंगे तब तक तुम्हारे पूरे परिवार की देखभाल हम करेंगे, और उनके बाहर निकलने के बाद भी उनको नौकरियां हम देंगे। चौहान की भट्टी अब हमेशा के लिए ठंडी पड़ेगी। रंजन चौहान को सज़ा होगी तगड़ी अगर तुम्हारे पति गवाह बनते हैं। अपने अपने पति से मिलो और उनको कहो कि सरकारी गवाह बन जाए।
तुम्हारी रोनी शक्ल हमें बता रही है कि तुम कुछ भी नहीं कर पाए अपने पापा के लिए। हर कोशिश जारी है। तुम्हारी हर कोशिश नाकाम होती जा रही है सूरज। एक महीने में यह केस अदालत में दाखिल होगा। भानु और कमल का सुना? क्या क्या पापा? भानु और कमल को इस जेल में हमसे अलग रखा गया है। जेल में रहते हुए भी हमें यह पता चला है कि शुक्ला के बेटे उन्हें सरकारी गवाह बनाने चले ताकि हमारे गले का फंदा और कस जाए। तुम्हें कभी हमारी जेल की कोठरी में आना चाहिए सूरज। ठंडी जमीन पर सोते हैं, ऐसा खाना खाते हैं जो हमारे कुत्ते भी ना खाएं। चुल्लू भर पानी में नहाते हैं जिसमें तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। ऐशो आराम की गोदी में पाला है हमने तुम्हें सूरज, और आज हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। हमने पिल पिलाना सिखाया तुम्हें कभी? हमने तुम्हें हमेशा यही सिखाया है कि जो शख्स झुक के हमारे पास न आया उसे रेंगते हुए लेकर आओ। पापा, मैं भानु और कमल को ये कत्ल का इल्जाम अपने सर पर लेने के लिए मना लूंगा। तुम्हें जो करना है सूरज तुम वो करो, और जो नहीं करना है वो तो जरूर करो, क्योंकि दुनिया, कानून, अदालत, ये सब अपनी जगह, और तुम्हारा परिवार अपनी जगह। हमने शुक्ला को कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं मारा है सूरज, परिवार के लिए, तुम्हारे लिए, करण के लिए मारा है उसे, ताकि हमारे चौहान खानदान का रुतबा बना रहे। तुम कुछ भी करो, कुछ भी, लेकिन ये केस अदालत में जाने से पहले मुझे यहां से निकलवा दो। भैया, भानु और कमल पे विश्वास करना मुश्किल है। दोनों खानदानी मुलाजिम हैं रंजन चौहान के, हमसे पैसा लेकर ऐन वक्त पर कोर्ट पर मुकर सकते हैं। पता चला दोनों में से किसी ने इल्जाम अपने सर ले लिया तो? लेकिन रंजन चौहान और उसके खानदान को तड़पना तो चाहिए, उन सबको तड़पाना और खूब सारा दर्द देना, यह हमारा फर्ज भी है और हक भी। और हम ये हक अदा करेंगे भैया, पापा के लिए। पापा के लिए? कत्लेआम नहीं करना है बच्चन भाई, चुन चुन के मारना। इतना क्लियर कर कि कितने मारने हैं और कब मारने हैं, और पूरा डिटेल लगेगा। और मारते वक्त अगर कोई बीच में आया और गलती से मर गया तो उसका भी चार्ज लगेगा, वो भी पूरा। सुन लिया? अब फटाफट पूरा प्लान बता। और एक बात याद रख, अगर एक बार डेट फिक्स हो गई ना फिर हिलना मत। और वैसे भी ये काम जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि हम लोग एक जगह पर ज़्यादा रुक नहीं सकते, और अगर रुके तो चार्ज लगेगा एक्स्ट्रा। पहुंच गई आप? हाँ, अभी फ्रेश हुई हूँ। तुम्हारे मामा जी तुम्हें, काजल, करण, राधिका, अमित सबको याद कर रहे थे। आपने बताया ना उन्हें हम क्यों नहीं आ पाए? हाँ, मैंने बता दिया उन्हें। तुम फिक्र मत करो सूरज, और अपना ख्याल रखना। हाँ माँ, दीदी और जीजू भी यही रह रहे हैं, कल जब आप लखनऊ से लौटेंगे तो वो दोनों आपको यही मिलेंगे। काजल, जाना जरूरी है क्या? सूरज, तुम अपनी दीदी को मुझसे बेहतर जानते हो। एक बार जिद पकड़ ली कि बाहर का खाना खाना है तो बस, कोई उनकी बात नहीं बदल सकता। राधिका, एक अर्जेंट प्रॉपर्टी का मामला आ गया, मुझे अभी जाना पड़ेगा पार्टी से। अच्छा, और खाने वाने की चिंता मत करना, तुम लोग खा लेना, मैं जो लेट होगा बाहर ही खा लूंगा।
जल्दी से मिटा दे। हो गया। माँ को भी फोन कर दो, काजल और सूरज को किसने गोली मार दी है? क्या? अच्छा मैं माँ को फोन करता हूँ, मैं पहुँचता हूँ राधिका, लेकिन ये सब हुआ कैसे? मुझे कुछ नहीं पता सु, तुम जल्दी पहुँचो अमित, बहुत खून बह चुका है। पड़ोसी कोठी में पूछताछ की, किसी ने भी फायरिंग की आवाज नहीं सुनी। साइलेंसर यूज किया होगा, देखो ताला भी तोड़ा गया। मैं यहीं था जब ये सीसीटीवी लगाया जा रहा था। और अब सीसीटीवी डिस्कनेक्टेड है सर। जानबूझकर डिस्कनेक्ट किया गया। भैया वो लोग मरे या नहीं पता नहीं, पर ये पक्का है कि सूरज और उसकी बीवी काजल दोनों पर फायरिंग हुई है। बुआ, मम्मी पापा को किसने मारा? मुझे नहीं पता बेटा। राधिका ठाकुर जी, क्राइम ब्रांच पे आई सौरभ यादव, कैसे हुआ ऐसा? जी मुझे नहीं पता इंस्पेक्टर। आप घर पर थी, आपने हमें फोन किया, एम्बुलेंस को फोन किया, पर उससे पहले मैंने काजल और सूरज को फोन किया था। रिंग जा रही थी पर वो दोनों फोन नहीं उठा रहे थे। कहाँ गए थे वो लोग? सर वो रेस्टोरेंट गए थे खाना लेने के लिए, बहुत देर हो गई थी पर वापस नहीं आए थे। बेटा करण, मैं जरा बाहर से ये देख कर आती हूँ आपके मम्मी पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे। सूरज, उन्हें देखते ही पहले मैंने आप लोगों को फोन किया, फिर एम्बुलेंस को। आपने किसी को नहीं देखा, ना आते ना जाते? जी नहीं। गोलियां चली लेकिन आपको कुछ पता नहीं चला? राधिका कहाँ हैं वो दोनों, कैसे? दोनों का ऑपरेशन चल रहा है सर। क्राइम सीन से अब तक 7 गोलियों के शेल्स बरामद हुए, आसपास पड़ोस में किसी ने भी गोलियों के चलने की आवाज नहीं सुनी। पड़ोसियों को छोड़ो, घर के अंदर ही सूरज की बड़ी बहन राधिका थी, वो बता रही है कि उसने कुछ नहीं सुना। लगता है साइलेंसर यूज हुआ है। सर सीसीटीवी भी डिस्कनेक्ट कर दिया गया, पुरानी सारी रिकॉर्डिंग्स भी डिलीट कर दी गई हैं। अगले एक महीने में विक्टिम सूरज के फादर रंजन चौहान पर मुकदमा शुरू होने वाला। रंजन चौहान। मालिक कह के पुकारते हैं लोग हमें, हमें आदत नहीं है कोई हमें इस तरह से हमारे नाम से बुलाए तो। ये नाम वाम छोड़ो, एक दुखद समाचार है तुम्हारे लिए। यही कि मेरे दोनों वफादारों को शुक्ला के पिल्लों ने खरीद लिया। नहीं, तुम्हारे बेटे सूरज और बहू काजल पर किसी ने हमला कर दिया, गोलियों से भून दिया उन्हें। क्या? सूरज, मेरा बेटा कैसा? दोनों का ऑपरेशन चल रहा है, बस इतना ही पता चला है, तो बतलाने आ गए हम। सब आउट ऑफ डेंजर है ना? आई एम सॉरी, काजल चौहान को नहीं बचा पाए। और मेरा भाई सूरज, सूरज ठीक है ना? उनकी हालत भी काफी क्रिटिकल है, और अगर बच भी गए तो दाहिना पैर उनके एम्पुटेट करना होगा, आई मीन काटना होगा। क्या? पर ये सब हुआ कैसे और किसने? अम्मा जी, हम इतनी जल्दी ऋषभपुर क्यों जा रहे हैं? दीदी ठीक है ना? बेटे काजल अब नहीं रहे।
ऑफिस में नहीं मिले तुम दोनों तो हमें लगा तुम भाग गए। हम इतने बेवकूफ हैं कि ऐसे माहौल में भाग खड़े हों ताकि आप हम पर शक कर सकें। चार गोलियां सीने, हार्ट लंग्स सब कुछ छंदी। डॉक्टर, सूरज के बचने के क्या चांस है? बच जाएगा। शुक्र है कि उसके ऊपर चलाई गई तीनों गोलियां उनके दाहिने कंधे और पैर में लगी। राइट लेग को शायद एम्पुटेट करना होगा। कब तक बात कर पाएगा? मोस्ट प्रोबेबली परसों शाम तक। दीदी, दीदी काजल कहाँ है? और करण? करण मेरे पास है। और काजल? उसे भी गोलियां लगी थी। कहाँ है वो? कैसी है? वो ठीक है। ठीक है। पर माँ, वो है कहाँ? काजल? सूरज, सूरज तुम आराम करो। हाँ दीदी, मुझे काजल से मिलना है। आप बताओ मुझे कहाँ है काजल? आज शाम को बॉडी हैंडओवर की जाएगी। मैडम कुछ तो बता दीजिए, क्यों हुआ ये सब? मैडम, कोई बोल रहा था कि किसी शुक्ला ब्रदर्स ने बदला लिया है। देखिए सर, कांड होने के बहुत देर के बाद हमें खबर मिली, ठीक है? सीसीटीवी डिस्क्रेडिट कर दिया, फुटेज डिलीट कर दी, तो क्या सच भी डिलीट हो गया? सच तो आप पहले से तय करके आए हैं सर। और सर, अगर हमें अटैक करवाना था तो क्या हम ऐसे दिन दहाड़े उनके घर चले जाते? सर, हमने तो उनकी कोठी कभी देखी तक नहीं है। तुम्हारा कोठी का मुआयना करना भी सीसीटीवी में कैद हो गया होगा, इसीलिए तो फुटेज डिलीट कर दिया। मुझे क्या कल का पैदा हुआ समझा है? और तुम क्या आज क्या शातिर हो? मंजे वे खिलाड़ी हो दोनों। तो वो लोग कौन से नौसिखिए थे सर? और सीसीटीवी कोई घर में सजावट के लिए तो नहीं लगवाता ना? और अगर हम उनकी कोठी का मुआयना कर भी रहे थे तो हम पहले पकड़ में नहीं आते क्या? हमने नहीं किया सर, नहीं किया। लेकिन हाँ, हम ये नहीं कहेंगे कि सुनकर बहुत दुख हुआ हमको। भड़ास तो हमें कूट कूट के भरी है सर, और ख्यालों में तो न जाने हमने उन्हें कितनी बार भूना है, पूरे परिवार को। लेकिन सर, ना हम पागल हैं और ना बेवकूफ जो अपने पिताजी के मुकदमे के चंद दिन पहले इस तरह का कांड कर बैठेंगे। सूरज को जिस बात का डर था, देखिए सर, वही हो गया। लगता तो कुछ ऐसे ही है। पर अमित, एक बात हमें हजम नहीं हो रही। क्या सर? चंद मिनटों में सीसीटीवी को डिस्कनेक्ट करना, पुरानी सारी रिकॉर्डिंग्स को डिलीट करना, ये काम सिर्फ वही कर सकता है जिसे ये काम करना अच्छे से आता हो। और उन लोगों को ये पहले से मालूम था कि सीसीटीवी का कंट्रोल कहाँ पे है। उन लोगों ने घर के अंदर भी अटैक नहीं किया, अब बाहर आंगन में किया। कोई भी गलती नहीं की, ऐसा कैसे? शुक्ला बंधुओं ने पहले से घर पे नजर रखी होगी, सूरज का आना जाना सब नोट किया होगा, और फिर ऐसे वक्त पे धावा बोला जब रिएक्ट करने का भी टाइम ना मिले। लेकिन वो लोग काफी स्पेसिफिक थे। सूरज और काजल पे उन्होंने तब अटैक किया जब वो लोग वापस आए। इसका मतलब वो लोग पहले से घात लगाकर बैठे थे, और सीसीटीवी का काम भी उन्होंने पहले से कर दिया होगा। और उन्होंने घर के अंदर अटैक नहीं किया जहां पे तुम्हारी पत्नी राधिका और सूरज का बेटा करण दोनों पहले से मौजूद थे। आप कहना क्या चाह रहे सर? उन लोगों को मेरी वाइफ राधिका और सूरज के बेटे करण को भी मार देना चाहिए था। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं वो कह रहा हूँ जो हुआ था। वैसे वारदात के वक्त तुम भी घर पर नहीं थे। मैं अपने क्लाइंट से मिलने गया हुआ था। और सुधा जी, वो कहाँ थी? कानपुर, अपने भाई की बेटी की सगाई में। मैं खुद नहीं जाना चाहती थी, पर करीबी रिश्तेदार है इसलिए एक दिन पहले चली गई। करीबी रिश्तेदार थे तो फिर काजल और सूरज क्यों नहीं गए? सूरज कोर्ट कचहरी की तैयारी में लगा हुआ था और काजल उसे संभाल रही थी। और आप राधिका जी? हाँ, वो मैंने ही बुलाया था इन दोनों को ताकि सूरज अकेला ना पड़े। बहुत घबराहट थी, डरे हुए थे हम। किस बात का डर? शुक्ला के लड़कों का। उन्होंने धमकी दी थी कि वो पूरे चौहान खानदान को साफ कर देंगे। 3 महीनों से हम डर डर के जी रहे हैं, और जिसका डर था वही हुआ। उन्होंने तो हमें जीते जी मार डाला ना, काजल को मार डाला। हम तो सूरज को बता तक नहीं पाए अभी तक। मैं कोई बात नहीं करूंगा इंस्पेक्टर, तब तक नहीं करूंगा जब तक मैं खुद अपनी काजल को नहीं देख लेता। रूम बताइए मुझे, मैं खुद चला जाता हूं। काजल किसी भी रूम में नहीं है सूरज, अब काजल इस दुनिया में नहीं रही। जब परसों तुम दोनों को यहां लाया गया था तो उसकी काफी ब्लीडिंग हो चुकी थी, डॉक्टर्स काजल को नहीं बचा पाए। कौन लोग थे वो? कितने थे? मैं काजल को देखना चाहता हूं। काजल और मैं हाईवे की तरफ गए थे हम सबके लिए खाना लाने। जब हम लौटे तो हमें कैसे पता चलता कि वो लोग हमारा ही इंतजार कर रहे थे?
सब कुछ अचानक से हो गया। जब मुझे पहली गोली लगी तो पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है, फिर दूसरी, फिर तीसरी लगी। बस इतना कह सकता हूं कि एक से ज्यादा थे वो लोग। तुम्हारी माँ एक दिन पहले कानपुर गई, उस वक्त घर पर तुम्हारी बहन और तुम्हारा बेटा थे, उन्हें कुछ नहीं किया गया, तुम्हारा वेट कर रहे थे। पर काजल, उसे क्यों मारा सर? आशीष और वीरा शुक्ला मेरे खून के पैसे थे, उन्होंने मुझे मारने के लिए बंदूक खरीदी थी, तो मुझे मारते ना। शायद काजल निशाना नहीं थी, वो सिर्फ इसलिए मारी गई क्योंकि वो वहां पर मौजूद थे। भारी पड़ेगा सर, उन शुक्ला भाइयों को बहुत भारी पड़ेगा, खत्म कर दूंगा मैं उन्हें और उनके परिवार को भी। फिर उनके लोग तुम पर जवाबी वार करेंगे, पीढ़ियों तक चलेगी लड़ाई, विरासत में देकर जाओगे दुश्मन। सर मैं मानता हूं कि मेरे पापा ने गलती की, बहुत दुख दिया उन्हें, पर काजल को मारकर बात उन्होंने आगे बढ़ाई है। तब जो सिलसिला शुरू हुआ वो यहां तक पहुंच गया, अब इसे कितना आगे तक वो लेकर जाना चाहते हो सूरज? शुक्ला के दोनों बेटे आशीष और वीरा हमारी हिरासत में है, पूछताछ चल रही है उनसे। खत्म कर दीजिए सर, दोनों को खत्म कर दीजिए। हम कानून के रखवाले हैं सूरज चौहान, आपसी दुश्मनियों की सुपारियां नहीं लेते, समझा? तो क्या मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं? कोऑपरेट करो हमारे साथ, अटैकर्स का हुलिया दो, डिटेल्स दो, ये डिटेल्स हमें इस केस की सच्चाई तक लेकर जाएंगे। शिवा, असलम, सूरज से हमें कोई भी स्केच नहीं मिल पाया, उसे बस इतना याद है कि सभी अटैकर्स ने अपने चेहरे पे गमछा बांधा हुआ था। मैडम आप बोल रही हैं कि शुक्ला बंधुओं के फोन रिकॉर्ड्स ठंडे हैं। अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। गमछा पहने हत्यारे तो पेशेवर किराए वालों का काम है, सुपारी दी होगी, सीसीटीवी फुटेज उड़ाई, काम काफी सफाई से किया है, टेक्नीशियन की तरह। मैडम ये टेक्निकल सुपारी वाला गैंग पहली बार सुनने में आ रहा है। इस आशीष और वीरा के एक एक मूवमेंट की डिटेल में खबर चाहिए मुझे। उनके सामने उनके पिताजी को ढेर कर दिया गया, मैंने उन्हें कहा था अपनी हिफाजत के लिए हथियार खरीद लो, क्या गलत किया? एक 4 साल के बच्चे से उसकी माँ को छीन लिया गया, क्या ये गलत नहीं है? क्या हथियार सिर्फ मेरे लड़कों के पास है? उन चौहानों की किसी से कोई दुश्मनी नहीं, सिर्फ एक टेंडर के लिए उन्होंने मेरे पति को मार डाला, पता नहीं और कितने लोगों के साथ उन्होंने क्या क्या किया हो। काजल चौहान का किसी टेंडर वेंडर से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी वो बहुत बेरहमी से मारी गई। आप इस बात पर जरा गौर कीजिए और अपने बेटों को उनका जुर्म कबूल करने दीजिए। कैसा खानदान निकला ये चौहान परिवार, गोलियों से होली खेलते हैं। मैं ही बेवकूफ थी जो हमारी आरती को काजल की जगह उस परिवार में ब्याहना चाहती थी। सही किया जी आपने, जो उस परिवार को हमारी आरती के लिए नहीं चुना। बच गई हमारी आरती। गुप्ता जी, उन्होंने मेरी मासूम पत्नी का खून बहाया है, पूरी प्लानिंग के साथ सारे सबूत भी मिटा दिए उन्होंने, जितने पैसे लगेंगे ना मैं बहाने को तैयार हूं, बस वीरा और आशीष शुक्ला को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। सूरज बेटा, ये वक्त तुम्हें करण के साथ बिताना चाहिए, माँ मर गई है बच्चे की, उसके लिए तुम हो ना माँ। हाँ पर मैं चाहती हूँ कि तुम भी रहो, बंद कर दो ये बदले का खेल। माँ मुझे मारते ना तो समझ में आता, लेकिन काजल, उसकी क्या गलती थी? काजल ने कीमत चुकाई, बहुत बड़ी कीमत, अपनी जान देकर, जिसकी शुरुआत तुम्हारे पापा ने की थी। माँ आपको तो दुनिया की हर बुराई का कारण ना बस पापा ही लगते हैं। और तुम्हारी दुनिया तुम्हारे पापा से शुरू होती है और पता नहीं कहां जाके रुकेगी। तुम भी गुनेगार हो काजल के सूरज, वो भी चाहती थी कि तुम इस सबसे दूर रहो, लेकिन सही वक्त पर इस सबसे बाहर निकलने के वजह तुम खुद इस दलदल में कूद पड़े। खत्म कर दो ये दुश्मनी का सिलसिला। ये दुश्मनी कभी नहीं मिटेगी, लेकिन ये सिलसिला तभी रुकेगा जब आशीष और वीरा शुक्ला को काजल के कत्ल की सजा मिलेगी। सीधा FIR ठोक दिया सर, वो भी बिना किसी सबूत के। सर चौहान परिवार से मिले हुए तो नहीं हो ना? हम मिले हुए तो नहीं है, पर हमें मिल बहुत कुछ रहा है तुम दोनों के खिलाफ। क्या मिला क्या है आपको सर, हमें भी तो बताइए। तुम दोनों ने पहले रंजन चौहान के खास बंदे कमल और भानु को कन्विंस करने की पूरी कोशिश की कि वह सरकारी गवाह बन जाए,
फिर डर गए कि वफादारी का नमक कहीं गद्दारी के नोटों पे भारी ना पड़ जाए। गलत सर, हमने उन्हें सरकारी गवाह बनने के लिए सिर्फ इसलिए कहा ताकि चौहान परिवार उन्हें मेरे पिता का कत्ल अपने सर लेने के लिए तैयार ना करते और रंजन चौहान आसानी से छूट ना जाए। फिर सोचा रंजन चौहान को ही दर्द दे देते, इसके लिए हथियार खरीदा उसके लिए। सर, हथियार हमने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोटेक्शन के लिए खरीदा था। उसी हथियार से सूरज चौहान को धमकाया, उसके पूरे परिवार के सफाई की धमकी थी। ये धमकियां प्रोटेक्शन का हिस्सा कब से हो गई भाई? वो धमकी गुस्से में दी गई थी सर। हर दूसरा हथियारा यही बोलता है कि नहीं, गुस्से में धमकी दे गया, मेरा मारने का कोई इरादा नहीं था। इरादा होता ना सर तो हम जरूर मारते, लेकिन हमारा इरादा था ही नहीं, हमने नहीं मारा सर। मरवाया, क्योंकि तुम लोग अच्छी तरह से जानते थे कि खुद करोगे तो बड़ी आसानी से पकड़े जाओगे, इसलिए पेशेवर हथियारों को यह काम सौंप दिया। कौन था उस गैंग का लीडर, कहां से आए थे वो लोग? सर, आपके पास क्या सबूत है कि हमने किसी गैंग बैंक को सुपारी दी थी? सबूत तो हमें वो गैंग खुद देगा जब उसका टैटू हमारे हाथ में होगा, और उस गैंग का एड्रेस हमें तुम दोगे, आज नहीं तो कल। भैया क्या कहीं जोश में आके आपने कोई लकीर तो पार नहीं किया ना? रंजन चौहान और उसके खानदान को तड़पना तो चाहिए यार। हद है वीरा, अपने भैया पे शक कर रहे हो? मुझे आप पे पूरा भरोसा है, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे पता होना चाहिए। मैडम, ये जो सीसीटीवी कैमरे की इन्फॉर्मेशन थी ये कोई अंदर वाले ने ही दी होगी। चौहान परिवार का कोई सदस्य? यहाँ शुक्ला भट्टी के एक मजदूर ने बताया कि इन भाइयों से मिलने कोई आया था। नाम बता शिवा। सूरज कैसा है? कोशिश कर रहा है पर अंदर से बहुत गुस्सा है। गुस्सा बुरी चीज नहीं है राधिका, अच्छी चीज है, लड़ने की ताकत देता है। ये जो शुक्ला बंधु है ना, उनके साथ हमें पूरी ताकत से लड़ना होगा, कुचलना होगा उन्हें। कुचलना समझती हो ना बेटा? जी पापा, जड़ से खात्मा। काजल चौहान, काजल चौहान शुक्ला बंधुओं से मिलने गई थी, ये कंफर्म्ड है। तो ये है कहानी में ट्विस्ट। लेकिन एक बात तो पक्की है कि चौहान कोठी में से किसी ना किसी ने हथियारों की मदद की थी सीसीटीवी सिस्टम की डिटेल्स जानने के लिए। कौन? सर, पहले मुझे लग रहा था अमित ठाकुर, घर का दामाद, जो वारदात के टाइम काफी कन्वीनियंटली अपने क्लाइंट की मीटिंग के बारे में बाहर निकल गया था। एक अर्जेंट प्रॉपर्टी का मामला आ गया, मुझे अभी जाना पड़ेगा पार्टी से। अब ये न्यूज काजल, ये शुक्ला बंधुओं से क्यों मिली होगी और फिर मारी भी गई? सर, शायद कोलैटरल डैमेज होगा, टारगेट सूरज होगा, पर ये साथ में थी पर फिर भी मारी गई, शुक्ला टीम में होने के बावजूद। लेकिन ये उस टीम में क्यों थी? हाँ, वो आई थी मुझसे मिलने। ये तुझे पता था वीरा? काजल चौहान, संजन चौहान की बहू, सूरज चौहान की पत्नी, तुझसे मिलने क्यों आई? मती मारी गई है आपकी, ऐसी वाहियात खबर आपको दी किसने? मेरी बीवी काजल, वो उन कुत्तों से मिलने जाएगी। पहले तो बेरहमे से कत्ल कर दिया उसका, अब उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। हमें ये बात शुक्ला बंधुओं ने नहीं बताई, बल्कि हमने खुद पता लगाया। सुधा जी, कत्ल से ठीक एक दिन पहले आप कानपुर चली जाती है और उसी दिन तुम्हारी बहन और जीजा तुम्हारे घर पर रहने आते हैं। राधिका को बाहर का खाना खाना होता और तुम लोग खाना बाहर से मंगवाते नहीं, बल्कि काजल खुद ये कहती है कि तुम और वो बाहर से जाके खाना ले आओ। उसी दौरान घर पे कोई आता है, सीसीटीवी डिस्कनेक्ट करता है, पुरानी सारी रिकॉर्डिंग्स मिटाता है और तुम लोगों पे हमला करता है। अब ये बताओ, बिना किसी अंदर की मदद के ये साजिश कैसे मुमकिन? लगाम दीजिए इंस्पेक्टर, लगाम दीजिए अपने दिमाग के घोड़ों को। मेरी बहन को उस दिन एक खास जगह से खाना खाना था और वो लोग होम डिलीवरी नहीं करते, इसलिए मैं और काजल बाहर खाना लाने गए थे। चलो ना, राधिका दीदी का बहुत मन है आज वहाँ से खाना खाने का, उन्होंने मना किया आज खाना बनाने के लिए। हाँ तो ऑर्डर कर दो ना। वो मैंने फोन किया था हाईवे क्लासिक, पर उन्होंने कहा कि उन्होंने होम डिलीवरी बंद कर दी है। अरे तो कहीं और से मंगवा लो। ऐसा मत कहो सूरज, राधिका दीदी का बहुत मन है कि वो वहीं से खाना खाए, कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना। अच्छा ठीक है, चलो। ये हुआ था, लेकिन आप लोग जो 2 और 2 6 कर रहे हैं ना, वो वाहियात है।
काजल पर शक कर रहे हैं आप? काजल पर? काजल ना सही, तो फिर और कौन? कौन था जिसने हत्यारों की मदद की? अमित, राधिका, सुधा जी या फिर तुम? ये बात मैंने किसी को इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो औरत ना ही इस बिजनेस का हिस्सा थी और ना ही इस फसाद का। फिर तुझसे मिलने क्यों आई थी? दलील लेकर आई थी सर कि ये फसाद और आगे ना बढ़ाया जाए, इस दुश्मनी को यहीं खत्म कर दिया जाए। काजल जी, आपके ससुर जी ने मेरे पिता को मेरे और मेरे भाई के सामने गोली मार दी। उन्होंने जो किया गलत किया। और आपके पति ने हमें खरीदने की कोशिश की, कहा कि हमें केस वापस ले ले। वो सही था? वो भी गलत था। लेकिन आशीष जी, जिस तरह से दर्द ने आपकी नींद हराम कर रखी है, वैसे ही डर ने हमारी नींद उड़ा दी है। आप अपने डर की बराबरी हमारे दर्द से कर रही हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे डर के सामने आपकी परेशानी बहुत बड़ी है। लेकिन आशीष जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, जैसे सूरज के सामने की थी। कानून को अपना काम करने दीजिए। तो फिर सूरज से कहिए कि भानु और कमल को बलि का बकरा बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये कानून और इंसानियत दोनों के खिलाफ है। हाँ कहूंगी, लेकिन आप दोनों भाई मेहरबानी करके ये मरने मारने की बातें मत करिए। और सर, बदला लेना हमारा इरादा कभी नहीं था। नाक छुपा लो ना, तो मुजरिम बच सकता है और ना ही उसका इरादा छुप सकता है। अब तेरा इरादा भी बहुत जल्दी सामने आएगा आशीष, तब तू हमारे इरादे का स्वाद चखे और उसका स्वाद इस जिंदगी भर तू कभी भूल नहीं पाएगा। सूरज, क्या तुम्हें बिल्कुल मालूम नहीं था कि काजल उस शुक्ला के बेटे को क्यों मिलने गई थी? नहीं गई थी माँ, ये सब शुक्ला भाइयों की चाल है पुलिस को गुमराह करने के लिए और साजिश है हमें फंसाने की। सर, काजल के फोन रिकॉर्ड में आशीष का नंबर फिगर नहीं होता है। फिर भी वो जाकर मिली आमने सामने, और क्या बात हुई हमें ये सिर्फ आशीष का वर्जन मालूम है। क्या काजल ने शुक्ला बंधुओं की मदद की होगी अपने पति के मर्डर प्लान में? हो सकता है, पर सबूत क्या है? कम से कम कोई सुराग, एक सिंगल लीड। इस वक्त सिर्फ ये जाहिर है कि हथियार किराए के थे जिनका बदले के लिए इस्तेमाल किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बदले वाला जाहिर सा एंगल इस्तेमाल हुआ किसी और कारण के लिए, और इस साजिश में काजल एक मोहरा थी जिसका पहले इस्तेमाल किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। पर सवाल यह उठता है कि काजल ऐसा प्यादा बनने के लिए राजी क्यों हुई होगी? सर, काजल एक बच्चे की माँ थी, गरीब परिवार से थी, उसके फोन रिकॉर्ड किसी भी अफेयर की तरफ इशारा नहीं करते सर, तो फिर काजल अपने पति के मर्डर में शामिल क्यों होती? देखा जाए तो सूरज को मार के शुक्ला बंधुओं को आखिर हासिल क्या होता? खून का बदला खून, इससे ज्यादा और क्या? सर, राधिका का पति अमित ठाकुर, शायद उसका कोई स्वार्थ हो। सर, रंजन चौहान जिसे लंबी सजा होने वाली है, इतना बड़ा बिजनेस है उसका, टर्नओवर काफी तगड़ा है। रंजन चौहान के बाद उसका सारा बिजनेस सूरज को जाता है। सर, अमित ठाकुर के फोन रिकॉर्ड्स में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिल रहा है। राधिका के कॉल रिकॉर्ड्स की भी सेम स्टोरी है, लेकिन एक बात अजीब है। कत्ल के दिन अमित और राधिका के बीच का फोन कॉल दोपहर 12:45 पे। शूटआउट दोपहर को लगभग 1:15 बजे हुआ, और अमित के स्टेटमेंट के हिसाब से वो 12:30 बजे अपने क्लाइंट से मिलने के लिए निकला और उसके 15 मिनट बाद ये फोन कॉल किया गया। कोई रूल है कि घर से निकलने के 15 मिनट बाद में अपनी वाइफ से बात नहीं कर सकता फोन पे? मर्डर केस की तहकीकात में भी कोई रूल नहीं होता, फोन क्यों किया था? एक पर्सनल बात थी। वाकई पर्सनल है तो ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी, प्रॉमिस है मेरा। जब भी अमित किसी जरूरी प्रोजेक्ट के लिए बाहर जाते हैं तो मैं उन्हें फोन करती हूँ, विश करती हूँ। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, तुम भी इतनी जल्दबाजी में निकल गए ना, मैं बोलना भूल गई। ऑल द बेस्ट जानू। थैंक यू जानू, आई लव यू। आप मुझ पे और राधिका पे शक कर रहे हैं? गहरा शक, क्योंकि एक बात तो साफ है, चौहान परिवार का कोई ना कोई सदस्य इस सब में शामिल था जिसके बिना सीसीटीवी को नाकाम करना नामुमकिन था। घर के अंदर से कोई नहीं है सर, हम लोगों के बीच आज भी अच्छे रिश्ते हैं। जबकि आपको जाना चाहिए शुक्ला बंधुओं के पीछे। शुक्ला बंधु अंदर है, बल्कि हमें ये जानना है कि आपके घर के अंदर सीसीटीवी कंट्रोल रूम के बारे में हथियारों को कैसे पता चला। तो आप क्या कहना चाहती हैं, अमित या मैं शामिल है इसमें? सूरज, सूरज मरवाना चाहता था काजल को? सूरज का कोई अफेयर था या काजल का कोई प्रेमी था? आप लोगों में शर्म नाम की कोई चीज नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चुटकी भर शर्म के चक्कर में अगर सच कुर्बान हो जाए तो वो शर्मिंदगी हमसे झेली नहीं जाती।
सर कभी नहीं सर। काजल दीदी ने सूरज जीजाजी के कोई अफेयर अफेयर के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। सर वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शादी से पहले तुम्हारी काजल दीदी का कोई अफेयर था? नहीं सर। और सर होता तो काजल दीदी मुझे जरूर बताती। सर हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे सर। सूरज जीजाजी बहुत प्यार करते थे उनसे, बहुत इज्जत करते थे उनकी। और आप ये जो इल्जाम लगा रहे हो ना सर कि सूरज जीजाजी ने कुछ करवाया होगा, सर ये तो इम्पॉसिबल का इम्पॉसिबल है। मैं लिख के दे सकता हूँ। इस सूरज के पिछले एक साल के सारे फोन रिकॉर्ड्स खंगाले। कोई अफेयर नहीं, शक करने जैसी कोई भी बात नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आशीष और वीरा ने इतनी तगड़ी फुल प्रूफ प्लानिंग की कि हमें इस केस को क्रैक करने के लिए एक तिनका तक नहीं मिल रहा है? सर पूरे जिले के सुपारी हथियारों के नेटवर्क को स्कैन किया, खबरों ने दिन रात एक कर दिया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। किससे नहीं पूछा ये पूछिए, सब यही कह रहे हैं आपसी दुश्मनी, आपसी दुश्मनी। एक भी गैंग नहीं छोड़ा मैंने, रिटायर गैंग, नौसिखिया गैंग या लॉकअप में बंद गैंग, सब मुझसे यही पूछ रहे हैं कि किसने किया। तो क्या साले आसमान से टपके थे? आपने तो आसमान भी खंगाला ना साहब। चौहान कोठी इलाके का डम डेटा भी निकलवाया, कुछ नहीं मिला। ऐसी सेटिंग सालों में नहीं देखी साहब। खबरी की बात भी सही है सर, सालों में ऐसी प्लानिंग नहीं देखी। डम डेटा के बाद भी एक नंबर ऐसा नहीं जिसको फॉलो किया जाए। शायद पूरे ऑपरेशन के दौरान फोन इस्तेमाल ही ना किए गए हो, शायद ये हत्यारे फोन अपने साथ लेकर ही ना गए हो। ये भी तो हो सकता है कि काजल आशीष से मिली जरूर, लेकिन उसने शांति की दलील ना की, या फिर कत्ल की साजिश में मदद की ऑफर की, या कत्ल वाले दिन सीसीटीवी या कंट्रोल रूम के बारे में हथियारों को इन्फॉर्मेशन दी हो। बट सर काजल भी तो मारी गई है, और अगर वो क्रॉस फायरिंग में मारी भी गई है तो उसने ऐसा वक्त क्यों चुना जब वो सूरज के साथ थी? शायद काजल क्रॉस फायरिंग में नहीं मरी, उसके साथ डबल क्रॉस हुआ है। शायद टारगेट सूरज ही था, उसके बाद काजल पर फायरिंग और सूरज बच गया। सर एक तरफ इस आशीष और वीरा की खाल उखाड़ते, और दूसरी तरफ शुक्ला बंधुओं की मदद करने वाले घर के अंदर में से कुछ चार सस्पेक्ट हैं। माँ सुधा, बहन राधिका, जीजा अमित और खुद सूरज, इन सब की कत्ल के दिन वाले ही नहीं बल्कि पिछले 3 महीने की सारी मूवमेंट्स ट्रैक करते। जब शेखर शुक्ला के मर्डर के चार्ज में रंजन चौहान गिरफ्तार हुआ, अपने बेस्ट बंधुओं की टीम्स बनाओ, शुक्ला परिवार और चौहान परिवार के पीछे लगा दो। पता तो चले कि ये केस वाकई में रिवेंज ड्रामा है, या फिर रिवेंज ड्रामा का मुखौटा पहने किसी दूसरे ही जज्बात की दास्तान है। दोनों फैमिलीज में कोई भी मूवमेंट नहीं मिली। साहब एक छोटी सी बात है, सोच रहा हूँ बताने लायक है या नहीं। बोल। रंजन चौहान के भट्टे के मैनेजर से बात हुई थी, उसने बात बात में एक नाम लिया था। तू भी ले। जगदीश कनौजिया नाम है बंदे का, भट्टे पे काम करता था। करता था? हाँ, कांड से 1 महीने पहले वो नौकरी छोड़ के चला गया। तो ये जगदीश साहब भट्टे पे ही पैदा हुआ था और रंजन चौहान के सबसे खास मुलाजिम में से एक था। हमने कितनी बार पूछा, अबे जगदीश बोल तो, माजरा क्या है? पर नहीं, कुछ बोला ही नहीं। हमें ये बात खली तो हमने सूरज जी को भी ये बात बोल दी। हाँ जगदीश ने कहा था मुझसे, उसका कोई पारिवारिक मामला है। ऐसा नहीं है सूरज जी, मुझे नहीं लगता कि कोई पारिवारिक मामला है। अब जबरदस्ती थोड़ी कर सकते, उसे नहीं काम करना तो नहीं करना। सूरज जी, जगदीश हम सबसे पहले इस भट्टी पर काम करता आया, वो अचानक ऐसे नौकरी छोड़कर चला जाएगा, ये बात ही अपने आप में अजीब है। जरूर कुछ छुपा रहा है वो। राजू तुम खामखा टेंशन ले रहे हो, जाने दो उसे, उसके बदले कोई और आ जाएगा। पर हाँ काम नहीं रुकना चाहिए। नंबर दे जगदीश कनौजिया का। चौहान परिवार का वफादार जगदीश, अभी नया खिलाड़ी कौन है साहब? ये नया खिलाड़ी तुम्हारे पुराने खेल की पोल खोलेगा। बोलो कैसे जानते हो जगदीश को और क्या हाथ है तुम लोगों का इस साजिश में? जब हमारा ना हाथ था ना पैर था ना कुछ और था इस कांड में, तो हमसे पूछकर आपको क्या मिलेगा? जगदीश तो बहुत जल्द हम लोगों की गिरफ्त में होगा और वो बोलेगा, और उसके बाद हमारे डंडे बोलेंगे, और फिर तुम लोग बोलने के लायक नहीं हो। इसलिए भी मौका है, सोच के बता दो जगदीश को कैसे जानते हो और ये पूरा कांड क्या था। क्या देख रहे हैं? ये जगदीश भी तुमसे मिलने आया था? नहीं यार। जगदीश कनौजिया? हाँ, काम करता था हमारी भट्टी में। अब कहाँ है? हमने उसे उसके ऋषभपुर वाले एड्रेस पे ढूंढा, पता चला बोरिया बिस्तरा बांध के कहीं निकल गया। पर इसका मेरी पत्नी के कत्ल से क्या ताल्लुक? ताल्लुक ही ताल्लुक है, घर की गृहिणी जो एक मकान को घर बनाती है उसका कत्ल हुआ है, और घर के ही किसी आदमी के कारण हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि जगदीश ने
जगदीश ने काजल और मुझे मरवाने की कोशिश की है। जगदीश तुम्हारे लिए परिवार के सदस्य की तरह था, तुम्हारे सबसे वफादार मुलाजिमों में से एक। हाँ था, लेकिन हमने क्या बिगाड़ा उसका? वो ऐसा क्यों करेगा सर? सही है, ये किसी भी एंगल से इत्तेफाक हो ही नहीं सकता है कि जगदीश कनौजिया का फोन 28 सितंबर को ही स्विच ऑफ होता है। ये हमारा पहला सॉलिड लीड, इसकी कॉल लिस्ट के एक एक नंबर को खंगालते हैं। 28 से पहले इस वफादार ने जिस जिस से बात की है उसी में इसकी बेवफाई का सबूत मिलेगा। आप घर पर ताला लगा कर क्यों निकल गए ये नहीं पता, पर जगदीश भाई साहब, उनकी पत्नी मंजू भाभी और दोनों बच्चे सभी चले गए। कुछ तो बताए होंगे कहाँ जा रहे हैं या क्यों जा रहे हैं। मंजू भाभी फरीदाबाद की बात कर रही थी, कह रही थी जगदीश भाई साहब को वहाँ कोई नौकरी लगी है। और ये फैमिली भी 28 सितंबर को चली गई। अब तारीख ऐसे कौन याद रखता है, पर दो हफ्ते हो गए हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर छूट गया है, वरना बात ऐसे अटकती नहीं। मैं पहले ही कह रही थी कि जगह गलत है, और ये सीसीटीवी वाला पैंतरा तो और भारी पड़ गया, सीधा अंदर की तरफ इशारा कर दिया इसने। तो क्या सीसीटीवी को ज्यों का त्यों रहने देते? हो गया। सीसीटीवी कनेक्शन निकाल दिया। वो लोग कभी भी घर पे पहुंचते होंगे। ऊपर से ये जगदीश फोन चेंज करके बैठे हो। पर फरीदाबाद में कहां छुपा है कुछ पता है? नहीं मालूम। क्या सोचकर गई थी तुम आशीष शुक्ला से मिलने? मेरा बस एक ही मकसद है सूरज, इस डर में और नहीं जीना। और उससे हुआ क्या? हाँ, केस वापस लेने को तैयार है वो लोग। दुश्मनी को आगे नहीं बढ़ाएंगे, आंख के बदले आंख नहीं फोड़ेंगे। आशीष शुक्ला, मुझे समझदार मालूम हुआ, यही समझदारी मैं तुमसे चाहती हूँ। कोर्ट जो भी फैसला ले पापा जी के लिए, उसे कबूल करना होगा। काजल, मैं नहीं चाहता कि तुम भी इस झमेले में पड़ो। वो कैसे हो सकता है, तुम जहाँ मैं वहाँ, करण भी वहाँ। सूरज, क्या तुम चाहोगे कि करण तुम्हारे और पापा जी के नक्शे कदम पर चले, इसी डर और बदले वाले माहौल में पले बढ़े और उसी गुरूर में जिए कि दुनिया को अपने अंगूठे और तलवे के नीचे दबा कर रखना चाहिए? काजल, हम एक परिवार है, और पापा जी सिर्फ मेरे पापा नहीं, इस परिवार के सरदार है वो, और परिवार के सरदार की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। अगर हम अपने परिवार के सरदार की हिफाजत नहीं करेंगे तो ये घर ही नहीं रहेगा। सही गलत अपनी जगह काजल, लेकिन जो फर्ज है वो तो निभाना ही है ना। मैडम जी, चार दिन से बिना सोए दूरबीन पे आंख लगा के रखे हैं, तब जाके आपका कबूतर हाथ लगाए जगदीश कनौजिया। चंदर, हम जल्द से जल्द पहुंच रहे हैं, लेकिन नजर हटाना नहीं, उड़ने ना पाए। तो तुम इसे नहीं पहचानते? नहीं सर। 23, 25 और 27 सितंबर को इस लॉस्ट के लैंडलाइन से इस बंदे के मोबाइल पर कॉल्स किए गए, और इसे कॉल लोकेशन बताती कि यहाँ पर आया भी था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इसे नहीं पहचानते? सच बोल दे, कौन लोग यहाँ पे रह रहे थे जिसके साथ ये टच में था? आप भी गन से वैसे ही डरा रहे हो जैसे उन लोगों ने डराया था। जो लोग यहाँ पे रह रहे थे उनके पास हथियार थे? यहाँ पे गन रखी थी सर, आईडी कार्ड भी नहीं दिया और किराया भी नहीं दिया। कौन सा गैंग? शेखावत गैंग, उसके तीनों भाई थे सर। जगदीश कनौजिया शेखावत गैंग के तीनों भाइयों से चौरीपुर के एक लॉज में मिला था। घसीट लो तीनों को, शेष कहानी जगदीश की सुनो। नमस्कार जगदीश कनौजिया, पहचाना? माफ कीजिए लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। हम आप ही के ऋषभपुर से, ऋषभपुर क्राइम ब्रांच।
बर्बाद वक्त निकाला अपने पापा से मिलने के लिए, और अभी तक अपने पापा का काम पूरा नहीं कर पाया तुम। फिर वही रोने वाली शक्ल, एक पैर ही तो टूटा है, जिगर तो नहीं। पैर तो फिर भी ठीक हो जाएगा पापा, पर मेरा जिगर और मैं कभी ठीक हो पाएंगे भी या नहीं मुझे नहीं पता। इस बिसात पर अब कोई मोरा नहीं बचाया चाल चलने के लिए जगदीश। निशाने पे तो काजल मेम साहब थी, छोटे मालिक को तो सिर्फ घायल करना था। और ये वफादारी तो किसकी निभा रहा था? बड़े मालिक की और रंजन चौहान की। छोटे मालिक की। रंजन चौहान और सूरज चौहान ने मिलकर प्लानिंग की थी काजल चौहान को मारने की। बेटा ये वक्त है सूरज की तरह तेज चमकने का, सीधे सीना ताने, सौदा पूरा करो। अब कोई सौदा नहीं होगा पापा, जगदीश पुलिस की हिरासत में। इतना सब कुछ करने के बाद तुमने ये होने कैसे दिया सूरज? इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ पापा, ना ही होने वाला। अपना सब कुछ खो चुका हूं मैं। तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे पापा हैं सूरज। अब अगर तुम कमजोर पड़ गए ना तो अपने पापा को खो दोगे। आपका तो मैं उसी वक्त खो चुका था जिस दिन मैंने अपने आप को खोया था। मेरी बात ध्यान से सुनो सूरज, अगर शुक्ला बंधु पैसों से नहीं झुकते तो पीठ तोड़कर घसीटो उन्हें। पर कैसे पापा, कैसे? उन्हें भी वहीं लाकर खड़ा करो जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं। कत्ल के इल्जाम में अंदर करवाओ और फिर उनसे सौदा करो कि अगर वो केस पीछे लेते हैं तभी तुम केस पीछे लोगे। बराबरी का सौदा होगा, कत्ल का सौदा। कत्ल? हाँ कत्ल। पर पापा किसका कत्ल? ये मायने नहीं रखता है सूरज कि किसका कत्ल होगा, मायने ये रखता है कि किसे छुड़ाने के लिए कत्ल किया जाएगा। तुम इस कत्ल की साजिश रच चुके, इस कदर की बारीकी की प्लानिंग होगी कि शुक्ला के पिल्ले उस जाल से कभी निकल ही नहीं पाएंगे। पर किसका कत्ल? परिवार के लिए कत्ल होगा, हमारे लिए, तुम्हारी माँ के लिए, तुम्हारी बहन राधिका के लिए, उसके पति अमित के लिए, और इस घर के चिराग हमारे करण के लिए। ये सभी हमारे परिवार के ही हैं सूरज। सिर्फ तुम्हारी पत्नी काजल इस परिवार की नहीं। पापा, पत्नी तुम्हें दूसरी भी मिल सकती है लेकिन तुम्हें दूसरे पापा कभी नहीं मिल सकते। इस वक्त तुम्हारा परिवार ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। काजल को हम कूड़े से उठाकर लाए थे, उसे ऐसी जिंदगी दी जो उसे सात जन्मों में नसीब नहीं होती। अब अगर हमारे परिवार के लिए उसकी आहुति चढ़ती है तो चढ़ जाने दो, हम उससे भी बेहतर लड़कियों की लाइन लगा देंगे तुम्हारे लिए सूरज। ये वादा है हमारा तुमसे। सूरज, हमारे परिवार का सबसे वफादार आदमी है जगदीश, तुम उसकी मदद लो, राधिका और उसके पति अमित की भी मदद लो। लेकिन हाँ बेटा, अपनी माँ को इन सब चीजों की भनक मत लगने देना, वो हमारे परिवार की सबसे कमजोर कड़ी है। लेकिन तुम्हें तुम्हें इस परिवार का खंभा बनना है सूरज, और आगे चलकर सरदार भी बनना है। उन्हें ना कहने की हमारी जुबान ही नहीं थी, इतने एहसान है उस खानदान के हम पर। अमित और राधिका भी शामिल थे इस प्लानिंग में? हाँ सर, होने के कहने पर ठीक एक महीना पहले हम यहाँ से काम छोड़कर दूर चले गए ताकि किसी को हम पर शक भी ना हो और आप लोग हम तक पहुंच भी ना सके। शेखावत गैंग को तू लेकर आया था? तुमसे ना हो पाया सूरज, तुमने तुमने गलत कर दिया सब कुछ। हाँ नहीं हो पाया, और गलत तो होना ही था पापा। काजल मेरी बीवी थी, वो भी इस परिवार का एक हिस्सा ही थी पापा।
करण की मां थी। कोई गलत चीज सही कैसे हो पाती पापा? कैसे हो पाती? सूरज, तेरी मां का एक दिन पहले कानपुर जाना। मां को कुछ नहीं पता था। दरअसल उनका बाहर जाना बिल्कुल सही मौका समझा गया और जगदीश को बोला गया कि अगले दिन ही काम करना है। बाकी राधिका का बाहर का खाना खाने का मूड होना, ये साजिश का हिस्सा था काजल को तेरे साथ बाहर ले जाने के लिए। अच्छा हुआ सूरज तूने मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। जिस आदमी को सही और गलत की पहचान ना हो, जिसके पास खुद खड़ा होने के लिए रीढ़ की हड्डी ना हो, जो खुद मरा हुआ हो, वो किसी दूसरे को क्या बचाता। साहब, हमने आपसे कहा था ना कि एक दिन आपको भी विश्वास करना पड़ेगा कि हम निर्दोष हैं। सर, शेखावत गैंग को कानपुर पुलिस ने घेर लिया है, सरेंडर नहीं कर रहे। क्या तो सरेंडर करें तो ठीक है, नहीं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता ये लोग अंदर हो या बाहर, शामिल नहीं हो। मुझे लगा था तू अपने पापा का साया बनेगा, पर तू तो उनसे भी आगे निकल गया। मां, मैंने गलती नहीं, गुनाह किया है। सही और गलत में फर्क नहीं कर पाया मैं। काजल से बहुत प्यार करता था, पर पापा के लिए इज्जत उस प्यार पर हावी हो गई। जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता सूरज, पर यह सिलसिला मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगी। मैं वचन देती हूं तुझे, तेरा बेटा करण काजल जैसा बनेगा, वो तेरा साया नहीं बनेगा, मैं उसे बनने नहीं दूंगी। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।